नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिनेरियो मैनेजर के बारे में। सिनेरियो मैनेजर वैसे तो बहुत ही छोटा सा फंक्शन होता है एमएस एक्सेल का, लेकिन ये बहुत ही बड़े काम करता है। बेसिकली सिनेरियो मैनेजर वो कंपनियां यूज करती हैं जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी उसका प्रोडक्शन करती हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हमारे पास कुछ आइटम्स हैं और उनकी प्राइस लिस्ट है, और ये जो प्राइस लिस्ट है वो करंट प्राइस लिस्ट है जो फ्यूचर में कभी भी चेंज हो सकती है। या तो इसका अमाउंट इंक्रीज हो सकता है या तो इसका अमाउंट डिक्रीज हो सकता है। तो अब हम लोग अपनी जो टोटल सेल का प्राइस है, यानी अपने बॉक्स के ऊपर, यानी जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस आइटम की, उस आइटम के बॉक्स के ऊपर ऐसा कौन सा रेट प्रिंट करें, या तो प्राइस बढ़े या घटे, इससे हमारे सेल प्राइस के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। आप देखेंगे जो भी आइटम का प्राइस, किसी भी आइटम के ऊपर अगर कोई प्राइस प्रिंट होता है तो वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। बेशक उसके रॉ मटेरियल का रेट यहाँ पर बढ़े और घटे, लेकिन उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है वो सेम प्राइस रहता है। अमाउंट को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बार बार हम अपने सेल प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से हम एक सिनेरियो तैयार करेंगे और उस सिनेरियो की मदद से हम लोग अपने एक्चुअल सेल प्राइस को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हमारा सेल प्राइस क्या होना चाहिए। आप देखेंगे हमने सभी रॉ मटेरियल को प्लस किया हुआ है, यानी इसके जितने भी अमाउंट्स हैं उसको हमने यहाँ पर प्लस किया हुआ है, टोटल किया हुआ है। तो इसका जो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी वो 12,500 की आ रही है। यानी मान लीजिए हम एक सीपीयू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है, वो कॉस्टिंग अगर हम उसे इंक्लूड करते हैं तो वो 12,500 रुपये की कॉस्टिंग आ रही है, जिसके ऊपर हमने 10% का प्रॉफिट अपना ऐड किया हुआ है 1,250 रुपये। इसका जो टोटल अमाउंट बन गया वो 13,750 रुपये बन गया। अब हम इसे किस रेट में सेल करें जिससे फ्यूचर में हमें कभी लॉस नहीं होगा, तो ये चीज आप किस तरह से कर सकते हैं, मैं इसकी कंप्लीट वीडियो आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले आपको एक टेबल क्रिएट कर लेनी है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, जिस भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को यहाँ पर लिख लेना है और उसके प्राइसेस लिख लेने हैं और उसका टोटल यहाँ पर अमाउंट आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमने 10% प्रॉफिट भी ऐड किया हुआ है इस रेट के ऊपर, और उसके बाद हमने टोटल प्राइस किया हुआ है इसका, और अब हमें निकालना है सेल प्राइस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी सिनेरियो। तो सिनेरियो बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, इस सभी आइटम को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा डेटा टाइप के अंदर, और डेटा टाइप के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपको जाना होगा व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा व्हाट इफ एनालिसिस, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सिनेरियो मैनेजर का, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सिनेरियो मैनेजर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरीके से, और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको सिलेक्ट करना है ऐड, यानी हम सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट को ऐड करेंगे और उसके बाद मैक्सिमम कॉस्ट को ऐड करेंगे और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस ऐड पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स और ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना सिनेरियो का नाम दे देना है, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ मिनिमम प्राइस, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने सेल एड्रेस और अमाउंट यहाँ पर शो हो गया। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, मान लीजिए फ्यूचर में जो अभी हमें आइटम 1,250 रुपए का मिल रहा है, ये 1,250 से घट करके मान लीजिए 1,200 रुपए हो सकता है, यानी इतना तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस चीज की वैल्यू कितनी ज्यादा कम हो सकती है, किस चीज की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। अब ये जो 1,250 रुपए का हमें आइटम मिल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कि 1,000 रुपए में मिलने लग जाएगा, 10-20-50 रुपए कम हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 रुपए कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा कम नहीं होगा, इतना हमें अंदाजा होता है। तो उस अंदाजे के हिसाब से हम यहाँ पर अपने रेट को डिफाइन कर लेंगे। तो चलिए इस रेट को डिफाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 1,250 की जगह 1,200 रुपए, और इसके बाद यहां पर 3000 की जगह हम दे देते हैं इसको 2800, और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे 550 रुपीज है, तो इसको हम दे देते हैं 500 रुपीज, और यहां पर इसे दे देते हैं हम लोग 3200 रुपए, और यहां पर दे देते हैं हम लोग इसे 900 रुपए। यानी ये हमारी मिनिमम वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऐड का ऑप्शन होगा, इस ऐड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पर आप दूसरा नाम लिखेंगे, यानी मैक्सिमम कॉस्ट लिखेंगे अपनी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैक्सिमम प्राइस, इसके बाद आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद फिर से उसी तरीके का सेल एड्रेस आ जाएगा आपके सामने, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम कॉस्ट लिख देते हैं कि फ्यूचर में हमारी ये वैल्यू कितनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो इतना तो अंदाजा हम इसमें भी लगा सकते हैं कि आज से आज 1300 या 1400 रुपए, इससे ज्यादा लास्ट, इससे ज्यादा हाईएस्ट नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी उसी तरीके से वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए 1,350 रुपए,
यहाँ पर 3000 है तो इसको हमने ले लिया 3200 रुपये, यहाँ पर हमारा 550 है तो इसको हमने ले लिया 600 रुपीज, यहाँ पर 3250 है तो इसको हमने ले लिया 3300 रुपये, यहाँ पर 950 है तो इसको हमने ले लिया 1050 रुपये, और इसके बाद हमने इसको कर दिया यहाँ पर ओके। अब आपको करना क्या है, ध्यान रखना है आपको ऐड पर क्लिक नहीं करना, अब आपको करना है ओके पर क्लिक। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने मिनिमम और मैक्सिमम जो हमने अभी सिनेरियो सेट किया था वो यहाँ पर शो अप हो गया। अब आपको जाना कहाँ है, अब आपको सीधे चले जाना है यहाँ पर समरी वाले ऑप्शन पे। इस समरी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहला है सिनेरियो समरी और दूसरा है सिनेरियो टेबल। यानी कि अगर आप पाइवोट टेबल तैयार करना चाहते हैं सिनेरियो का तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देंगे, और अगर अब आपको सिनेरियो सिर्फ समरी चाहिए तो यहाँ पर हम समरी को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो फिलहाल हमें समरी चाहिए, हम समरी देखना चाहते हैं, यहाँ पर हम समरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसे कर देंगे ओके। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा, जब आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर ये जो H7 वैल्यू आ रही है यानी H7 जो सेल का एड्रेस आ रहा है, यहाँ पर आपका ये टोटल का एड्रेस होना चाहिए। यानी यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट हमने लिया हुआ है ये सेल एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली एक बार क्लिक कर देते हैं, इसने उसका सेल एड्रेस यहाँ पर ले लिया और इसे हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे हमारी सिनेरियो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो करंट वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई 12,500 रुपये मिनिमम प्राइस। यानी कल को अगर ये रेट घटेगा तो 12,100 रुपये तक जाकर के गिरेगा, और कल को अगर हद से हद रेट ये बढ़ेगा तो 13,000 रुपये पे जाकर के ये गिरेगा। तो 13,000 रुपये हमारा लास्ट मैक्सिमम रेट होगा। इस मैक्सिमम रेट के ऊपर हम लोग अपना 10% का प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसके बाद जाकर के हम अपने प्राइस को प्रिंट कर सकते हैं। तो हम पहली वाली शीट पर चले जाते हैं वापस, और यहाँ पर जाने के बाद मान लीजिए हमारी जो वैल्यू थी वो 13,000 रुपये आई है जिसके ऊपर हमारा 10% का प्रॉफिट है, और इसके बाद इसकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो बनेगी हमारी इक्वल टू, इन दोनों को हम आपस में इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1300 रुपये हमारी टोटल आपकी कॉस्ट आ गई प्रॉफिट की। अब आपका जो भी प्राइस है यानी 13,000 रुपये के ऊपर हम क्या करेंगे, इक्वल टू 13,000 रुपये में हम प्लस कर देंगे इस प्रॉफिट को, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 14,300 रुपये, यानी 14,300 रुपये हम यहाँ पर रेट को प्रिंट कर सकते हैं। तो यही था हमारा सिनेरियो मैनेजर। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जब भी हम सिनेरियो की समरी देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने सेल के एड्रेसेस शो हो रहे हैं जो कि हैशटैग में हमारे सामने शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हमें क्या चाहिए, हमें आइटम्स का नेम चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो नेम्स हैं आइटम्स के वो आइटम्स के नेम यहाँ पर शो हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको शीट 1 पर जाना होगा और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा ये जो प्राइस लिस्ट है इन सभी का आपको क्राइटेरिया नेम चेंज करना होगा। यानी यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सेल का एड्रेस है वो D7 है, तो D7 की जगह हम लोगों को करना क्या है, D7 की जगह हम लोगों को रख देना है यहाँ पर कैबिनेट। यानी हम D7 की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर कैबिनेट, तो इस सेल के एड्रेस को वो ऑटोमेटिक कैबिनेट समझेगा और वहां पर हमारे सामने समरी के अंदर कैबिनेट शो हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं एक बार प्रैक्टिकली यूज करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली इस सेल पे क्लिक करके रखना है आपको, यानी 1200 जिसमें आपका अमाउंट है 1250 का, इस पे हमने क्लिक करके रखा है और यहाँ पर हम इसके सेल एड्रेस को नाम देते थे कैबिनेट और फिर प्रेस करना है आपको एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको इसको नाम दे देना है CPU, एंटर प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर इसको नाम दे देना है SMPS, एंटर प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ पर इसको नाम दे देना है मदरबोर्ड, और इसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करके नाम दे देंगे हम लोग रैम, और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसके कंप्लीट होने के बाद अब हमें करना क्या है, फिर से हमें सिनेरियो तैयार करनी होगी। तो हम फिर से सिनेरियो तैयार करके देखते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल सेल के एड्रेस को सिलेक्ट करके रखना है, डेटा टाइप के अंदर जाना है, डेटा टाइप के अंदर जाने के बाद आपको वापस से व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, यहाँ से आपको सिनेरियो मैनेजर को फिर से सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद सेम उसी तरीके से हम लोग कॉस्टिस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए पहले हमने जो ऐड किया था इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद फिर से हम एक नई शीट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने दे दिया मिनिमम कॉस्ट क्या होगी इसकी, हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर हम दे देते जैसे मिनिमम कॉस्ट हमारी क्या थी, आप अपने हिसाब से जो भी वैल्यू टाइप करना चाहें जैसे मैंने बताया था आपको आप टाइप कर सकते हैं। तो मैंने मिनिमम कॉस्ट दे दिया इसका 1200 रुपीज, और यहाँ पर हमने दे दिया 2800, और यहाँ पर दे दिया हमने 500, यहाँ पर दे दिया हमने 3100, यहाँ पर दे दिया हमने 900, और उसके बाद हमने कर दिया इसको ऐड। यहाँ पर हम मैक्सिमम कॉस्ट ले लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे,
एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम कॉस्ट टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने टाइप कर लिया 1300 रुपये, और इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर 3200 रुपये, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 600 रुपये, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 3300 रुपये, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 1050 रुपये। अब देखेंगे यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट दोनों यहाँ पर शो हो गई। अब आपको सिंपली करना क्या है, समरी पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टोटल रेंज सेलेक्ट करके रखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट होनी चाहिए जब आप समरी क्रिएट करेंगे तो, और उसके बाद आपको सिंपल ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपकी यहाँ पर करंट वैल्यू तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सेल का नाम भी यहाँ चेंज हो चुका है, यानी आपके सेल का जो नाम था वो हट करके यहाँ पर जो आपने आइटम का नेम दिया था वो आइटम नेम यहाँ पर शो हो चुका है। उसी हिसाब से आपकी करंट वैल्यू यहाँ पर शो हो गई, मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे शो हो गई, और मैक्सिमम कॉस्ट यहाँ पर शो हो गई। तो इसी को कहा जाता है सिनेरियो मैनेजर, ये बहुत ही काम का फंक्शन है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।